धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो हमारे अर्धसैनिक बल सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बल जो रिटायर्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस के हमारे रिटायर्ड पर्सनल हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ मांगे उठाने का आपने मौका दिया। अर्धसैनिक बल हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण देश की सुरक्षा रक्षा में अपना योगदान देते हैं। कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक नक्सलवादी राज्यों तक और बंदरगाह एयरपोर्ट कोई भी देश में आर्थिक समस्या आए अर्धसैनिक बलों का महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रहती है। कुछ इनसे जुड़ी हुई मांगे मैं रखना चाहता हूं। दुर्भाग्य की बात है पीछे इन्होंने राजघाट पे एक धरना देके इन मांगों को कहना पड़ा। पहली मांग नाम बदलना चाहिए अर्धसैनिक बल का या पैरामिलिट्री फोर्सेज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कोई किसी से कम आकलन नहीं होना चाहिए। इनका नाम सुझाव देना चाहते हैं इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेज के रूप से इनका नाम रखा जाए। दूसरा वन रैंक वन पेंशन जैसे फौज के लिए कदम उठाए गए हैं ऐसे ही अर्धसैनिक बलों के लिए भी वन रैंक वन पेंशन की शुरुआत हो। 2004 1 जनवरी 2004 को नई पेंशन योजना आई अर्धसैनिक बलों के लिए उसकी जगह पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। जो कैंटीन है सीएसडी कैंटीन में जीएसटी की छूट दे दी। वित्त मंत्री जी बैठे हैं वित्त मंत्री सीएसडी कैंटीन में आपने जीएसटी की छूट दे दी। जो अर्धसैनिक बलों की सीएपीएफ कैंटीन है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज उस कैंटीन में जिसमें सीआरपीएफ बीएसएफ आईटीबी एसएसबी ये सारे जवान जाते हैं उन कैंटीन में भी जीएसटी की छूट दी जाए। मेडिकल इनकी जो है मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाई जाए। और आखिरी में कहना चाहता हूं आखिरी मांग रखना चाहता हूं इनकी तरफ से कि जो शहीद है इनको भी शहीद का दर्जा सेना की बराबरी का शहीद में फर्क नहीं कर सकते। अगर हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज सीमा पे या नक्सलवादियों से लड़ते हुए अपनी जान देते हैं तो शहीद की सारी सुविधाएं और दर्जा बराबरी से मिलना चाहिए। मैं मांग करता हूं एक डेलीगेशन मिले जो एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज का एक डेलीगेशन गृहमंत्री जी उससे मिले उन सारे समस्याओं का निवारण तुरंत किया जाए। धन्यवाद।